हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप दोहा कतर या चाहे कतर दोहा कंट्री में जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने बताया है जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है इसके बारे में बताया हूँ। साथ ही ये भी मैं बताऊँगा इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको मैक्सिमम कितना पैसा आप किसी भी एजेंट को दे सकते हैं और कितना समय में आप दोहा कतर कंट्री में जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए जॉब एंड सर्विस बताते रहते हैं। दोस्तों इसमें आया फर्नीचर कारपेंटर की सैलरी दोस्तों कतर कंट्री में, जिनकी पगार दोस्तों 1100 से लेकर 1200 रुपये तक है। अब वैकेंसी की बात करें तो 200 से लेकर 50 आदमी तक जरूरत है दोहा कतर कंपनी में। यदि इस कंपनी में आप लोग जाना चाहते हैं तो मेरे पास जो विदेश इंफॉर्मेशन आता है मैं थर्मल बॉक्स पे लगा देता हूं, ताकि आप अपने किसी भी एजेंट को थोड़ा सा मदद लेकर आप कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया फर्नीचर पॉलिश, जिनकी पगार दोस्तों 1100 से लेकर 1200 रुपये तक है, जो दोहा कतर कंट्री की कंपनी है, मतलब दोहा कतर में जाने के लिए आपको इसमें वैकेंसी आई है। कम से कम 150 लोग अच्छी कंपनी में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर दोस्तों आ गया इसमें टीम लीडर, जिनकी 40 आदमी की ज़रूरत है। सैलरी की बात करें तो 1100 से लेकर 1200 रुपये तक है, जो दोहा कतर कंट्री में यदि आप लोग जाते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा कमाने का पर्पस है। फिर आगे दोस्तों इसमें फर्नीचर मशीन इलेक्ट्रीशियन, मतलब तमाम ऐसे जॉब हैं जिनमें सैलरी की बात करें तो दोस्तों 1400 रुपये है, जिसमें आपको फर्नीचर मतलब मिशन हो, चाहे मैसन हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे ऑपरेटर हो, कोई भी जॉब इसमें करेंगे तो आपको 1400 रुपये सैलरियाँ मिलेंगी, जो दोहा कतर कंट्री का पैसा होगा। फिर इसमें आ गया सेटरिंग कारपेंटर, जिनकी सैलरी है दोस्तों 1250 रुपये। अब वैकेंसियाँ आई हैं 40। इस कंपनी में जाने के लिए आपकी एज मतलब उम्र कम से कम 40 से लेकर 21 से लेकर 40 तक, चाहे 21 से लेकर 40 तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ताकि आप दोहा कतर में जाने में कोई दिक्कत ना हो। इस कंपनी में जाने के लिए आपको सीवी जो होता है वह बनवाना होगा। सीवी के साथ साथ आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल होने के बाद आपको यदि इस दोहा कतर या चाहे कतर कंपनी में जाने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि कंपनी में अप्लाई करने से पहले आप अपने किसी भी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो पहले अपने नात ही मित से जो भी मिले, जिनको भी जानकारियां किसी चीज़ के बारे में हो, तो कंपनी को अच्छी तरीके से जाँच लें। हालाँकि मेरे पास जो कंपनियाँ आती हैं, जो विदेश से इंफॉर्मेशन आता है, मैं थर्मल बॉक्स पे लगा देता हूँ, ताकि कोई भी व्यूअर्स यह चेक कर सके, यह जान सके कि कंपनी कैसा है। कंपनी सही लगे तो एजेंट से मिलकर थोड़ा सा मदद लेकर आप कंपनी में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी दोहा कतर कंट्री में जाना चाहते हैं, जाने से पहले एक बातों को ध्यान दीजिएगा कि आपको काम, कोई भी काम आपको आना चाहिए, जिस प्रकार से आप दोहा कतर कंट्री में कभी भी जाएँ तो कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों यही आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप विदेश कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों मुझसे जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं विदेश विदेश कंट्री के बारे में, नए नए जॉब के बारे में, नए नए समाचार के बारे में, नए नए जानकारियां देते रहता हूं, जिस प्रकार से कोई भी मेरा व्यूअर्स हो तो आसानी तरीके से चल जाए। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, विदेश जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कोई ना कोई काम आने होना चाहिए और आप किसी काम को करने में सक्सेस हों। तो दोस्तों मैं यही आशा और उम्मीद करूंगा कि विदेश कंट्री में जाने से पहले आपके पास काम और गुण होना जरूरी है। तो दोस्तों